बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। रही मैंने बैंक कैसे कट किया है इसका वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा हो तो जाके कट कर लीजिएगा। देख के वीडियो को पूरा प्रॉपर बारीकी से बताया हुआ है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेयर स्टाइल के लिए करना क्या है, इससे पहले मेरा एक सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसमें मैं शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करती हूँ। अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, उसमें मैं अपनी ब्लॉग डेली अपडेट करते रहती हूँ। तो जाके उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और इस चैनल पर आजकल आप लोग का व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए जैसे पहले आप लोग सपोर्ट करते थे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बालों को इस तरीके से साइड से उठाऊंगी, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ फूल करके, लाइट सा पफ, ज़्यादा ऊंचा नहीं, हल्का सा पफ यहाँ पे बनाएंगे। पफ को आप बॉबी क्लिप से सेट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से जब भी आप पफ या फिर कुछ ट्विस्टिंग वगैरह को सेट करते हो तो डबल क्लिप लीजिए और क्लिप को आपस में इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई कितना भी जोर से कॉम्ब वगैरह करोगे तो आपका जो हेयर है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपका जो हेयर स्टाइल बनाया था आपने वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अब साइड से आपको हेयर को लेना है, ओके, ईयर तक के हेयर को ले लेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर ऊपर से मिक्स करते जाएंगे इसमें। जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा साइड के हेयर को खींच देंगे जिससे कि जो हमारी चोटी है वो प्रॉपर दिखाई दे। और जहाँ पे हमने क्लिप लगाई थी बिल्कुल वहीं पे इसको सिक्योर कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बनाना है। इसी तरीके से गूंथते जाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड में गूंथा था बालों को, चोटी बनाई थी। थोड़ा थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से खींच लेंगे। और क्लिप पे ले जाके इसको भी सिक्योर कर देंगे। और अब आपको अगर खुला रखना है तो आप खुला रख सकते हो, बट गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों में खुला बाल रखना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इसके लिए आप बन बना सकते हो। तो बन के लिए आपको क्या करना है वो बता दे रही हूँ मैं। बन के लिए आपको सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है। और जो हमने नीचे में क्लिप्स लगाई थी उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हम रबड़ लगाएंगे तो हमको दिक्कत होगी इससे।
तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स को निकाल दिया है और एक पोनी बना लेंगे। गर्मियों के लिए बन हेयर स्टाइल है, बहुत ही प्यारा लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहो तो पोनी बना के भी छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे बन बना रही हूँ। अगर आपके बाल पतले हल्के हैं एंड आपका जो बन है वो छोटा हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक डोनट बन ले लेना है। थोड़ा थोड़ा सा हेयर का पार्टीशन लेंगे, ट्विस्ट करके इसको थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे इस तरीके से, और डोनट बन के ऊपर इस तरीके से रखेंगे बॉबी क्लिप की मदद से, इसको सॉरी यू पिन की मदद से सिक्योर करते जाएंगे। ऐसे ही पूरे बन को कंप्लीट करेंगे। जहां जहां आपका यूपिन सॉरी डोनट बन दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड कर लीजिए। अगर आपके पतले बाल हल्के बाल हैं और कम बाल हैं तो आप ही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही एग्जैक्ट आपको भी अपने बालों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो आपका बन है वो हाइड हो पाएगा, डोनट बन जो है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर से जो आपके सेंटर के हेयर हैं उनको चोटी बनाएंगे। एंड तक चोटी को गूंथ लेंगे। एंड तक गूंथने के बाद आपको एक साइड से चोटी को इस तरीके से खींचना है, सिर्फ एक साइड से। और एक साइड से आपको इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट करके सेंटर में जहाँ पे आपका जो डोनट बन दिखाई दे रहा था वहाँ पे इसको रखेंगे और यू पिन की मदद से सिक्योर करेंगे। और ये पार्टी के लिए वेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा, गाउन ड्रेस के लिए साड़ी के लिए जो भी आप ड्रेस डाल रहे हो उसके काफ़ी अच्छा और प्यारा लगेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। कैसा लग रहा है गुनगुन हेयर स्टाइल? हेलो,
इस तरीके का लुक आया है इसका फाइनल। तो काफी प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, इजी बना यहाँ पे बन के आपका रेडी हो गया। सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ है, आप खुद से कर सकते हो, एक से दो बार ट्राई करके इजीली बना लोगे। साड़ी के लिए, गाउन के लिए बेस्ट रहेगा। कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। बन हेयर स्टाइल है, गर्मियों में बेस्ट रहेगा। तो गर्मियों में अगर आप कुछ इजी सा, ब्यूटीफुल सा, अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये रहेगा आप लोग के लिए काफी अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। और भी आपको इस तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।